क्वेश्चन ये है कि सर ये आजकल बहुत LMIA की बात होती है, YouTube पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं और काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही होती है, क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि LMIA के बगैर आप अप्लाई कर सकें? की बात कर रहे हैं बिना LMIA के, जिसको LMIA exempt कहते हैं हम लोग, ठीक है जी, उसमें देर आर डिफरेंट स्ट्रीम्स। जिस तरह आपने शायद हमारी पिछली वीडियो देखी हो Saskatchewan नॉमिनी प्रोग्राम की, या कोई और आपने हमारी वीडियो देखी हो, उसमें जिस तरह PNPs होते हैं, प्रोवेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, अगर आपको प्रोवेंशियल नॉमिनी सर्टिफिकेट मिल गया तो यूजुअली उसके साथ आपको वर्क परमिट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं जैसा कि आपको पता है कि YouTube पे वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, तो आज मैं दोबारा नबील साहब से टाइम लेके उनके पास आया हूँ। और क्वेश्चन ये है कि सर ये आजकल बहुत LMIA की बात होती है, YouTube पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं और काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही होती है, क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि LMIA के बग़ैर आप अप्लाई कर सकें? बिल्कुल। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, नबील खान हेयर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इमिग्रेशन। सुलेमान आज हमारे ऑफिस में दोबारा आए हैं, इनके पास काफ़ी सारे सवाल आते हैं जिसके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे आज इनसे। जिस तरह इन्होंने आते साथ मुझसे पहला सवाल किया जी कि LMIA के बिना भी कुछ हो सकता है, तो उसको हमारे लैंग्वेज में कहते हैं LMIA exempt, ठीक है जी, उसको LMIA exempt work permits कहा जाता है, ठीक है जी। अब जिस तरह आपको मैं बेसिक समझाता हूँ कि आप लोगों ने सब ने सुना होगा LMIA लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिक्वायर्ड है, विच इज़ अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है उनका, एम्प्लॉई ESTC कहते हैं उसको, और वो इशू करता है LMIA, फिर आप वो LMIA लेके आप जाते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ इट वर्क्स, ये होता है LMIA स्ट्रीम। अब दूसरी स्ट्रीम जिसकी ये बात करें हैं बिना LMIA के, जिसको LMIA exempt कहते हैं हम लोग, ठीक है जी, उसमें देर आर डिफरेंट स्ट्रीम्स। जिस तरह आपने शायद हमारी पिछली वीडियो देखी हो Saskatchewan नॉमिनी प्रोग्राम की, या कोई और आपने हमारी वीडियो देखी हो, उसमें जिस तरह PNPs होते हैं, प्रोवेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, अगर आपको प्रोवेंशियल नॉमिनी सर्टिफिकेट मिल गया तो यूजुअली उसके साथ आपको वर्क परमिट सपोर्ट लेटर मिलता है, वो एक फॉर्म है LMIA exempt की, आपको उसमें LMIA की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जी PNP एक हो गया। फिर सेकंड आपका हो गया जी इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, कि जी के वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, अभी आज का टॉपिक इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र है कि वो कैसे होता है। फिर तीसरी चीज़ हो गई इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं, कनाडा के डिफरेंट अग्रीमेंट्स हैं, कनाडा का कोरिया के साथ है, कनाडा का चिली के साथ है, कनाडा का डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट अग्रीमेंट्स हैं, उनके तहत होता है। फिर उसके साथ साथ है कहते हैं कुछ एग्जेम्पशंस होती हैं जो मिनिस्टर ऑफर करता है, इमिग्रेशन मिनिस्टर, वो LMIA एग्जेम्प्ट में आ जाती हैं, ठीक है जी। फिर इस तरह है कहते हैं रेफ्यूजी क्लेमेंट्स होते हैं जो कनाडा में आकर रेफ्यूजी असाइलम फाइल करते हैं, उनको वर्क परमिट मिलता है, वो उसमें फाइल होता है, LMIA एग्जेम्प्ट में फाइल हो जाता है। इस तरह इवन आपका जो है स्टूडेंट अपना स्पाउसल ओपन वर्क परमिट होता है, अगर आपके स्पाउस यहाँ पे है, पढ़ रही हैं, स्पाउस पढ़ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे जो वर्क परमिट होता है उसको LMIA एग्जेम्प्ट में फॉल करते हैं वो। तो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ LMIA एग्जेम्प्ट। तो ये मैंने आपको बेसिक ताकि नॉलेज के लिए आपको अपडेट करें कि LMIA एग्जेम्प्ट क्या चीज़ होती है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं अबाउट दिस थिंग। ठीक है सर, आपने जितनी भी चीज़ें बताई जैसे कि PNP बताया, ICT बताया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बताया, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बताए, इनमें से जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है वो ICT है हमारे पास, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। सर इसको एक्सप्लेन करें कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? जी इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, इसके भी अगेन इट्स अ वेरी वाइड स्कोप ऑफ वर्क, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इसको बहुत वाइड रखा हुआ है, अगर आपको उसको सही तरह यूटिलाइज किया जा सके इसको। जनरली मैं आपको समझाता हूँ जो हमारे इंडियन ऑडियंसेज हैं उनको समझ आ जाएगी कि जिस तरह इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें हम TCS कहते हैं, टाटा कंसल्टेंसी हो गए, या विप्रो हो गया, या कॉग्निजेंट हो गए, या एक्सेंचर हो गया, जिनके इंडिया में भी ऑफिस हैं, और या फॉर एग्जाम्पल दुबई में भी ऑफिस हैं उनके, और उनके ऑफिस कनाडा में भी हैं, या इवन फॉर दैट एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऑरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस अगर US में भी है, कनाडा में भी है, ऑरेकल का ऑफिस अगर दुबई में भी है, कनाडा में भी है, तो इफ़ दे वांट अ पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, मतलब उसको कंप्यूटर प्रोग्रामर है, या कंप्यूटर एनालिस्ट है, या IT सिक्योरिटी का बंदा है, अगर इस तरह के कोई उसके पास स्पेशल नॉलेज है, द कंपनी वांट्स देम टू मूव फ्रॉम दुबई टू कनाडा, तो द कंपनी विल अप्लाई फॉर एन इंट्रा कंपनी ट्रांसफर बिटवीन द टू कंपनीज, बिटवीन इट्स टू सब्सिडरीज। जैसे ऑरेकल दुबई हो गई, वो उनके पास ऑरेकल कनाडा की ब्रांच है, उधर वो अप्लाई करेंगे, या माइक्रोसॉफ्ट दुबई अप्लाई करेगी टू माइक्रोसॉफ्ट कनाडा की बेसिस पे कि जी माइक्रोसॉफ्ट कनाडा कोई बंदा चाहिए, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एन इंट्रा
कंपनी ट्रांसफर, ये तो उसका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया। फिर उसका नेक्स्ट पर्सपेक्टिव आता है हमारे हमारे क्लाइंट्स के लिए कि हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं इसमें। जी तो सर आप ये बताएं कि ये तो चलें बड़ी कंपनीज हो गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो छोटी कंपनीज हैं या जो छोटे ओनर हैं, बिजनेस ओनर, सो बेसिकली कौन से लोग ऐसे हैं जो इसमें क्वालिफाई करते हैं आईसीटी में? जी अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि क्वालिफिकेशन फॉर आईसीटी, सबसे पहले तो बेहतर यही है कि जो आइडियली इसमें जो फॉल कर सकते हैं वो अगेन केस टू केस डिपेंड करता है, ये हम केस टू केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फॉल करते हैं वो करेंगे बिजनेस ओनर्स, जो ऐसे बिजनेस ओनर्स जिनका जिनका आउटसाइड कनाडा कारोबार चल रहा है, इट कुड बी इन दुबई, इट कुड बी इन इंडिया, इट कुड बी इन कतर, इट कुड बी इन कुवैत, एनीवेयर, मतलब कहीं भी कारोबार चल रहा है उनका, और दैट कारोबार दैट बिजनेस इज बीन देयर फॉर लेट्स से ओवर 5 years। आपके पास उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पास वो बिजनेस है, वो स्पेशलाइज बिजनेस है, एंड देन द मेन थिंग इज़ कि यू हैव एन ऑप्शन टू वर्क इन कैनेडा। आपके पास मतलब ऑप्शन टू वर्क इन कैनेडा का मतलब है आप वो कारोबार अपना कैनेडा में एक्सपैंड करना चाहते हैं। दिस इज़ द मेन क्वालिफिकेशन जिसको आप इस आई सी टी को इस ब्रॉड सेंस में आप यहाँ पर अपने लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो सर बिजनेस ओनर्स की आपने बात की, बट फिर भी हम अगर एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो और क्या चीज़ें इसमें मैटर करती हैं? देखिए जी, उसमें मैं अगेन बिजनेस ओनर्स मैंने बताया आइडियल है, ठीक है जी। उसके अलावा इट कुड बी समबडी हु इज इन द टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्पेशलाइज्ड फील्ड में है, ही मे नॉट बी अ बिजनेस ओनर, बट वो सेकंड इन कमांड हो सकते हैं, थर्ड इन कमांड हो सकते हैं, ही कुड बी अ टेक्निकल मैनेजर, अ टेक्निकल वाइस प्रेसिडेंट, समथिंग दैट ही वांट्स, ही हैज वेरी टेक्निकल साउंड नॉलेज एंड ही थिंक्स के जी कि ये कारोबार, ये काम मैं कनाडा जाके भी कर सकता हूं। ओके, जैसे सेल्स मैनेजर होते हैं, आईटी मैनेजर्स होते हैं, सेल्स मैनेजर तो पॉसिबिलिटी है, अगेन वो किस चीज की सेल्स है, क्या चीज है, मतलब वो क्या क्या प्रोडक्ट है उनके पास, क्या क्या चीज है। आईटी ऑब्वियसली यस, आईटी हो सकता है, आपका कहते हैं कोई टेक्निकल कोई और नॉलेज हो सकती है, कोई आपका हाई एंड वेल्डिंग का नॉलेज हो सकता है आपको, हाई एंड आपको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज हो सकता है आपको, हाई एंड हेल्थ पे कोई हो सकता है आपको, मतलब नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज। तो अगेन उसमें लेट से मैं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें सुलेमान यहाँ पे, कि अब उसमें है कि आपका बिजनेस चल रहा है पिछले 5 साल से एंड यू थिंक कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट के जी कि ये बिजनेस मैं ये मॉडल रेप्लीकेट कर सकता हूँ कनाडा में, तो दिस इज वेयर आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे एंड वी विल असेस यू फॉर एन इंट्रा कंपनी ट्रांसफर एलिजिबिलिटी के जी का आपका ये बिजनेस क्या हम कनाडा में खोल सकते हैं या नहीं। ठीक है, सो सर इसमें बात करें अगर प्रोसेसिंग टाइम की, तो कितना प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है अगर सारी चीजें? देखिए इसमें सबसे पहले अगेन होता यही है कि असेसमेंट कि जी के आपका वहां पर बिजनेस मॉडल क्या है, वहां पर क्या बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है जी, आप लेट्स से आप वहाँ पे आप कोई हाई एंड आपके वो मशीन है जो आप सोचते हैं कि जी दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू द कैनेडियन इकोनॉमी, ठीक है, बट फॉर दैट आपको कैनेडा आना पड़ेगा। ठीक है जी, तो उसके लिए फिर आप कहते हैं हमें हमसे कांटेक्ट करेंगे। इसमें देखें इसमें बेसिकली हम आपको असेस करते हैं, असेस करने के बाद हम आपको आपके साथ बैठ के हमें फिर इसका वर्कआउट करना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट को क्या सबमिट करेंगे, गवर्नमेंट को क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे कि आपके इंटेंशन यहाँ पे आने की ये कारोबार करने की है। उसमें ऑब्वियसली फिर हमें टू सपोर्ट योर क्लेम्स वी मे हैव टू गो फॉर बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान वो कोई नॉर्मली हम जो करते हैं वो कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं होता, इट इज़ नॉर्मली सब्सटैंशियल बिजनेस प्लान जिसमें आपके पूरे गोल्स, आपके फाइनेंशियल्स, आपके डिटेल्स, हर चीज़ होती है टू कन्विंस द ऑफिसर के जी कि आपको पास ये नॉलेज है और आप इसको कैनेडियन इकोनॉमी की बेहतरी के लिए यहाँ पर ला के उसको आप करना चाह रहे हैं। ओके, परफेक्ट। सो इसमें सर ये है कि अगर कोई इंटर कंपनी वर्क परमिट पे कनाडा में आ जाता है तो उसके लिए आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए? देखिए जी, इंटर कंपनी वर्क परमिट पे अगर आप आ जाते हैं आपके पास आपको उसको मिलेगा क्लोज वर्क परमिट। ओके, उसमें मैं थोड़ा सा आपको और डेप्थ बता दूं कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि उसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि आपको यहाँ पे अपनी कंपनी फॉर्म करनी पड़े। ओके, ठीक है, अगेन केस टू केस वेरी करता है, मैं आपको एक जेनेरिक बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं कंपनी बनाने में, उसको बिफोर यू कम एंड अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट, ठीक है जी, आप एक दफ़ा ये प्रोसेस गुजर के आप वर्क परमिट पे आए, अगेन आपका क्या एनओसी कोड है, अगर 00 का एनओसी कोड है तो आपको 200 पॉइंट मिल सकते हैं इसके थ्रू।
इवेंचुअली आफ्टर वन ईयर. ओके, अगर आपका कहते हैं 200, अगर आपका रेगुलर, अगर आपका 200 एनओसी कोड 0A और बी है तो आपको 50 पॉइंट मिल सकते हैं आपको. ठीक है, लेकिन आपको फिर एक साल का कैंडिडेट एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको. मिनिमम एक साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी क्या पोजीशन है, क्या पॉइंट्स हैं, क्या एज है आपकी एक्सप्रेस एंट्री में. सो मोस्ट लाइकली मेरे हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर अप्रूव्ड आर अप्लाई फॉर पीआर आफ्टर वन ईयर. वो वर्क परमिट पे आते हैं, क्लोज वर्क परमिट पे. क्लोज वर्क परमिट होता है, डिफरेंट स्ट्रीम है ये. एक्सप्रेस एंट्री में फॉल करते हैं आफ्टर वन ईयर एंड दे क्वालिफाई डिपेंडिंग ऑन द आइल्स एंड एज एंड एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस, दे क्वालिफाई आफ्टर वन ईयर यूजुअली. ओके, परफेक्ट. तो सर ये जो आपने बताया जिसमें एज अ बिजनेस ओनर्स की हम बात करें या जो सीनियर लेवल की बात करें, तो लाजमी बात है वो तो मैरिड होते हैं, उनके चिल्ड्रंस भी होते हैं. अगर वो इंट्रा कंपनी वर्क परमिट के थ्रू आ रहे हैं तो उनकी जो फैमिलीज होती हैं वो क्या साथ में आ सकती हैं या वो बाद में आती हैं? जी जी, जब हम उनका वर्क परमिट फाइल करते हैं प्रिंसिपल एप्लीकेंट का अंडर द इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, तो साथ में हम उनकी फैमिली का, यूजली वाइफ का भी वर्क परमिट फाइल करते हैं या स्पाउस का, और साथ में हम बच्चों का स्टडी परमिट फाइल करते हैं. ओके, तो नॉर्मली अंडर दिस क्लास आपको 2 साल का प्रिंसिपल एप्लीकेंट वर्क परमिट मिलता है. तो आपके स्पाउस को भी 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा और बच्चों को 2 साल का स्टडी परमिट मिलेगा. और अगर इस तरह आपको मैं अपडेट कर दूं कि अगर आपके पास यूजुअली 2 साल का वर्क परमिट होता है पेरेंट के पास, तो यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में, जिसको सरकारी स्कूल कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं. वाह, ज़बरदस्त. तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया कि LMIA जो कि आपको पता है इंतहाई मुश्किल होता है, अगर उसका आप एग्जेम्प्ट वर्क परमिट की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं और उनमें से ICT प्रोग्राम जो है वो सबसे बेस्ट लग रहा है. हमने कुछ इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता सकें, मगर अगर आप मज़ीद अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं तो नबील खान साहब का मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बेसिक अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि आप इस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल हैं या नहीं है. अगर आप एलिजिबल होंगे तो सर आपने जैसे कि आपको बताया कि बिजनेस प्लान बनाने में, उसके अलावा कंपनी रजिस्टर्ड करवाने में, बाकी चीजों में ये आपकी हेल्प कर सकते हैं. और द बेस्ट थिंग इज कि आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, जो कि मुझे इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है. आई होप कि दोस्तों में आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं. अगर आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.